निर्भय जी, जो आपने कलम बरेली की जो एक पुस्तक चौथा अंक लॉन्च किया है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस सोच के साथ आपने कलम बरेली की पुस्तक का ये नाम रखा है। बरेली टाइप के सभी दर्शकों और अनुपक्षकों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं करीब ट्रेनिंग जा रहा हूँ, करीब 22-23 साल वहाँ संपादकीय विभाग में प्रमुख के रूप में मैंने कार्य किया। 2014 में जब मैंने जागरण छोड़ा तो एक दिन में एक विचार था कि बरेली की चीज़ों को एक मंच पे एक जगह एकत्र रखूँ ताकि आने वाली पीढ़ी को उसकी जानकारी मिलती रहे। इसी क्रम में हमारे साथी दिनेश पवन जी ने का सुझाव था कि एक कलम बरेली का एक अंक निकाला जाए और उन्होंने कलम बरेली इसके किताब का नाम दिया। 21 में मैंने पहला अंक अपना निकाला जिसको लोगों ने बहुत सराहा। उसके बाद ये रहा कि मतलब निकालते जाएँ, फिर हर साल मैं एक अंक निकालता गया और बरेली की चीज़ों को समेटता गया और उस पर अच्छी मतलब जानकारी लोगों को मिल जाए। कई पुस्तकालयों को मैंने जब पुस्तकें भेंट की तो उन्होंने वहाँ मुझे सूचना मिली कि इस पर बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला कि बरेली की चीज़ों को जानकारी करने का। एक चीज़ और जानना चाहेंगे निर्भय जी, जैसे आप विदित है सबको कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी पत्रकारिता जगत में आपका एक अलग अपना स्थान है, नाम है, ये चारों अंक में आपने किस दिशा निर्देश को देते हुए अलग अलग इसमें क्या दर्शाया है इस बरेली की कलम चारों अंक में? मैंने इस किताब में तीसरे अंक में जितने बरेली के स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में पूरे उनके नाम और उनके स्थान का जिक्र किया है। चौथे अंक में मैंने लीलौर झील जो ऐतिहासिक झील है उस पर मैंने जिक्र किया है। अभी जो हर जगह देश में रामराज है, हर जगह रामराज की बात चल रही है, तो मैंने जो बीजेपी काम कर रही है मैंने बरेली के बारे में उसमें जिक्र किया कि बरेली की युवा लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पांचवी बार यहाँ के सांसदों को अगली बार भी जिताएँ ताकि केंद्र सरकार और मजबूत हो और धर्म की दिशा में चल सके ताकि उस पर काम हो सके। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी बीजेपी का नाम लिया तो क्या कुछ पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के भी आपका? मेरा पॉलिटिकल एजेंडा कोई नहीं रहा, मैं तो केवल बरेली की समस्याओं को उठाता रहा हूँ। जैसे मैंने बहुत सी चीज़ों पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को प्रस्ताव दिए, ये सही का 100 बेड का हॉस्पिटल जो बन रहा है सीवीगंज में उसका प्रस्ताव भी मैंने ही दिया था। कोहड़ा पीठ पर जो कलम दबात लगा का स्थापना शिक्षा मंच के सहयोग से और अन्य दलों के सहयोग से हुई, उस पर भी जानकारी जो थी वो मैंने स्थान सुनिश्चित किया, आज वहाँ कलम दबात लग चुकी है। इसी तरीके से मैंने श्यामगंज पुल के लिए भी और आपके टेलरपुर पुल के लिए भी काफ़ी पत्राचार किए जिसमें काफ़ी सफलता मिली। अब मैं किला पुल के लिए काम कर रहा हूँ, वो मैंने माननीय लोगों को पत्र दिए हैं जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से भी पत्र आए हैं, जानकारी मांगी गई है, उन पर सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो कलम बरेली की है, ये पुस्तिका आम जन तक पहुँचने के लिए कहाँ कहाँ उपलब्ध है? ये बरेली में राज बुक डिपो है और जो है उपजा प्रेस क्लब के सामने वहाँ उपलब्ध है, जगत टाकीज में इकबाल सिंह बाले की दुकान पर मौजूद है, पहले सिंडिकेट पर उपलब्ध हुआ करती है लेकिन सिंडिकेट अब बंद हो चुका है। इसके अलावा हमारे जो संगठन है, हम उपजा से जुड़े हुए हैं, NVA से जुड़े हुए हैं, जितने भी पत्रकार संगठन हैं उनके पास जाती है सारी लाइब्रेरी बरेली की, जैसे वीणा हुआ, जिला पुस्तकालय हुआ, लक्ष्मण राम सिंगल पुस्तकालय हुआ, बरेली कॉलेज हुआ, सब में मेरी पुस्तक आपको उपलब्ध होगी। धन्यवाद।